मैं बीमारी के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी वाइफ को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनका मेट्रो नोएडा में ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ था, तो वहाँ की भी, क्योंकि मैं उसमें तीमारदार समझिए या करवाने वाला समझिए, तो वहाँ का भी मैंने बिहेव देखा था। और वो 2009 की बात है और वापिस उनको 2014 में स्टार्टिंग में कैंसर हो गया था गले का। तो वो वैसे गले के कैंसर से तो मुक्ति पा गई थी, लेकिन लास्ट में उनको हार्ट अटैक ही आया था। हार्ट अटैक के बारे में मेरी, जबकि उस टाइम 64 की एज होगी, लेकिन उससे पहले मैं इतनी उम्र में भी हार्ट अटैक के बारे में नहीं जानता था कि हार्ट अटैक ये होता क्या बोला है। हुआ ऐसा कि जैसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर का, उससे मुक्ति पा चुकी थी वे, तो उस अचानक 13 नवंबर 2014 में उनको हार्ट अटैक आया। और वो हार्ट अटैक को मैं कब समझ सका कि नवंबर का महीना होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे से चाय बनवाई, मैंने चाय उनको दी, उनको पसीना बहुत आ रहा था। वो कहने लगी कि मुझे पंखा चला दो, यानी कि नवंबर में कौन पंखा चलवाता है, नवंबर में उन्होंने पंखा चलवाया। अच्छा, खैर मैं ज़्यादा कुछ ना कह के इतना कहना चाहूँगा कि मेट्रो हॉस्पिटल की एक लापरवाही मेरे सामने आई थी कि हमारी जो मिसिज थी उनका ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ था, ये मेरे दामाद हैं, ये इन्हीं के उसमें मैं रह रहा हूँ। हालांकि मेरा लड़का जो है इंजीनियर है, बहुत अच्छा है, बेंगलोर में है आजकल तो यही है, जी लेकिन मैं लड़की के और दामाद के ही उसमें रहता हूँ। जी भगवान इन्हें बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा मतलब वो कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने लापरवाही ये की कि कोई थोड़ा मिस्टेक रही होगी, तो रात में उनको, क्योंकि इतना चीरा हुआ था वो, ब्लड आ गया था, जबकि मैं वहीं था नीचे में, उन्होंने नहीं बताया। वो बाद में सुबह में घर वाले ने बताया कि उन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया है मेरा। साफ सफाई का भी इतना विशेष वो नहीं था वहाँ, लेकिन इस हॉस्पिटल के बारे में ये मैं कहूँगा कि पहले ये कोलंबिया एशिया के नाम से जाना जाता था, आजकल जो है मणिपाल के नाम से है। तो जैसे कि मेरे दामाद हैं, इनके रिलेशन हैं यहाँ पे, और इनके रिलेशन क्या है डॉक्टरों से, कुछ इनका अपना घरेलू संबंध भी ऐसा है कि ये यहाँ गाजियाबाद जो उसमें पढ़े हैं कॉलेज में, उसमें एक इनके प्रोफेसर थे, उनके बच्चे जो है डॉक्टर है अभी भी, वो यहीं पे हैं इंग्लैंड से, मेरे ख्याल अमेरिका से कहाँ से कोर्स करके आए हुए हैं। तो इनका काफ़ी संपर्क रहा है, इनके रिलेशन में भी जो है। तो अब सबसे ज़्यादा तो इस उसमें मैं इन्हीं का वो आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि इन्होंने उस टाइम जो 5 बजे के करीब 15 तारीख में इनकी अपनी सोच से जो इन्होंने डिसीजन लिया, वो इनका अपना ही था, क्योंकि इनको कोई उम्मीद ऐसी दिखाई दे रही थी कि शायद इनको तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। तो इन्होंने कहीं इसमें शास्त्री नगर में मेरा थोड़ा चेकअप करवाया, वो EGC वगैरह करवाई थी वो शायद, तो उन्होंने कुछ बताया होगा, ये फ़ौरन लेकर मुझे यहाँ आ गए। यहाँ के स्टाफ ने और डॉक्टर, क्या नाम है उनका, डॉक्टर अभिषेक सिंह। अभिषेक जी ने, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। वेद प्रकाश जी के रिगार्डिंग, ये हमारे पास एक्यूट हार्ट अटैक करके आए थे और इमरजेंसी में आते ही इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इमिडिएटली इनको हमारी टीम ने अटेंड किया और हमने इनका CPR शुरू किया। हार्ट की रिदम बिगड़ रही थी, इसलिए इनको हमें उस समय शॉक भी देना पड़ा। इसके बाद हमने इनकी फैमिली से तुरंत बात की और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया, इनकी सीरियस सिचुएशन के बारे में बताया और बोला कि हम कोशिश कर सकते हैं पेशेंट को बचाने के लिए। इसके लिए हमें पेशेंट में एंजियोग्राफी और अगर रिक्वायर्ड हुआ तो एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है,
सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। इस पूरे सिनेरियो में सबसे अच्छी बात ये रही कि फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स में फेथ दिखाया और उन्होंने कहा कि आपको जो ठीक लगता है पेशेंट के लिए आप कीजिए एंड हमें हॉस्पिटल में पूरा फेथ है और जो भी आउटकम आता है पेशेंट के लिए हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमने पेशेंट को इमीडिएटली कैथ लैब की ओर मूव किया। रास्ते में भी पेशेंट को टुवर्ड्स कैथ लैब मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट के इशू हुए जिसमें CPR करना पड़ा और शॉक देना पड़ा। उसके बाद पेशेंट कैथ लैब में लिया गया, इमीडिएटली प्रोसीजर स्टार्ट किया गया जिसमें पूरी टीम थी, हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर, हमारा पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, सारे लोग लगे हुए थे। पेशेंट का कंटिन्यूस CPR चलता रहा और हमने एक टेम्पररी पेसमेकर इमीडिएटली पेशेंट को डाला जिससे एटलीस्ट हार्ट रिदम स्लो ना हो और मल्टीपल CPRs और शॉक की साइकिल्स के साथ हमने आर्टरीज को एक्सेस किया। जब हमें ब्लॉकेज मिल गई हमने उसे इमीडिएटली साफ किया। जब ब्लड फ्लो वापस रीस्टैब्लिश हो गया उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हुआ एंड उसके बाद स्टेबल करके हमने पेशेंट को ICU में शिफ्ट किया। देयर आफ्टर पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड किए और ग्रेजुअली रिकवर होते चले गए एंड वी आर लकी इनफ दैट हम पेशेंट को इतने सीरियस प्रॉब्लम के तीसरे दिन वॉक करते हुए घर के लिए डिस्चार्ज कर रहे हैं विद अ स्माइलिंग फेस। ब्लड प्रेशर स्टेबल, कोई चेस्ट पेन नहीं, हार्ट फंक्शंस रिकवर्ड। सो यही डॉक्टर के लिए और हॉस्पिटल के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं व्हाइल दे आर सर्विंग देयर पेशेंट्स।